फोर पॉइंट सिक्स इज द इंट्रोपी ऑफ एन आइडियल पैरा मैगनेट इज गिवन बाय ये इंट्रॉपी हमें गिवन है और उन्होंने कहा है कि यू एनर्जी है जो कि पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है ओके सो सी इज़ अ पॉजिटिव कॉन्स्टेंट सी हमेशा पॉजिटिव होगा डिटर्मन द इक्वेजन ऑफ यू एज अ फंक्शन ऑफ टी एंड दिस इज़ रिलेटेड टू फोर पॉइंट फाइव प्रॉब्लम जो हमने इससे पहले की है और इसमें भी टेम्परेचर और यू के दरमियान का रिलेशन हमें फाइंड आउट करना है और इसमें आसानी ये है कि इन ड्रोपी पहले से गिवन है तो हम सिंपली वो फॉर्मूला यूज़ करेंगे जो कि पहले भी मैंने मैंशन किया था फॉर द इक्विजन ऑफ स्टेट्स इन थर्मो डाइनमिक्स एंड विच इज़ वन अट यू पाश एस बाय पाश यू एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम ठीक है तो uh, यहाँ पर हम पुटिंग करते हैं तो ये हमारे पास पार्श बाई पार्श यू और एस जो है दैट इज़ गिवन एस नॉट माइनस सी यू ओके सो वन ओवर टी इक्वल्स इन दोनों पे सेपरेट लग जाएगा ठीक है दोनों सम हो रहे हैं ना तो सी uh, कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा पाशव बा पाश यू ऑन यू स्क्वेयर ठीक है और ये ज़ीरो हो जाएगा यू नो कॉन्सटेंट है वो सो so सी uh, ये इसका डेरिवेटिव टू यू आ जाएगा ओके सो तो ये हमारे पास रिजल्ट आ गया माइनस टू सी यू वन टी के लिए और अगर हमें यू फाइंड आउट करना हो तो क्या हो जाएगा ये दोनों ये तीनों नेगेटिव साइन भी ये इधर चला जाएगा सो ये बन जाएगा माइनस वन ओवर टू सी टी इक्वल्स यू ठीक है ये हमारे पास रिज़ल्ट आ चुका है जिसे ऐसे भी लिखा गया है बुक में कि आप इस चीज़ को ये नीचे इसके पावर होल पावर क्या है वन है ऊपर चला जाएगा तो होल पावर माइनस वन हो जाएगी तो आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं अब हम इसको ड्रॉ करते हैं स्केच करते हैं क्योंकि इन्होंने बोला है कि आप इसको स्केच करें तो यहाँ पे है यू इक्वल्स माइनस वन अवर टू सी टी नाव इससे पहले कि हम इसे स्केच करें आपने ये याद रखना सी इज़ अ पॉजिटिव कॉन्स्टेंट सी हमेशा पॉजिटिव होगा और टेम्परेचर कैलविन में हम यहाँ पे इंसर्ट करते होते हैं और कैलविन टेम्परेचर इज़ ऑलवेज आर पॉजिटिव टेम्परेचर मतलब इसकी वैल्यूज़ हमेशा पॉजिटिव होती हैं ग्रेटर दैन ज़ीरो होती हैं अनलाइक सेल्सियस स्केल और फॉरन हर स्केल इसमें कभी नेगेटिव वैल्यूज़ नहीं होती तो अगर सी कॉन्स सी पॉजिटिव है टम्परेचर भी हमेशा पॉजिटिव होता है दोनों पॉजिटिव हैं टू तो कॉन्स्टेंट है तो यू इज़ ऑलवेज़ लेसर देन जीरो या फिर हम कह सकते हैं यू विल ऑलवेज़ बी नेगेटिव क्योंकि इस नेगेटिव को ख़त्म होने के लिए किसी और क्वांटिटी को जो यहाँ पे वेरिएबल है उसे भी नेगेटिव होना चाहिए होगा तो क्योंकि ये दो हैं बाकी बचते जो इसको नेगेटिव कर पॉजिटिव कर सकते थे मतलब इनका इनमें से कोई नेगेटिव होता लेसेस सी अगर नेगेटिव होता तो ये C की लेट से माइनस टू वैल्यू होती तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाता तो U लेट से पॉजिटिव हो जाती तो ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि C और T दोनों पॉजिटिव हैं तो U विल ऑलवेज़ भी नेगेटिव क्योंकि उसको पॉजिटिव करने वाला कोई यहाँ पे नहीं रह गया तो यहाँ पे U इज़ ऑलवेज लेसर देन ज़ीरो जिसे हम कह सकते हैं नेगेटिव होगी और ठीक ठीक तो यहाँ पे अब इसको हम स्केच करते हैं तो स्केच Uh, करते हुए यू सिंस uh, आप लिख सकते हैं सी इज़ ग्रेटर देन ज़ीरो एंड टी इज ग्रेटर देन और इक्वल टू ज़ीरो ठीक है जीरो भी तो होता है होता है ना जीरो कैलविन इज परमिसेबल टेम्परेचर तो हेंस यू इज़ ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू ज़ीरो ठीक है तो ये हमारे पास हो गया अब हम इसे स्केच करते हैं स्केच करते हुए uh, हमने uh, uh, यहाँ पे लेना है यू को और मैंने ये वाली साइड ज़्यादा ली है वाई एक्सिस मैंने ये वाला नेगेटिव वाई एक्सिस ज़्यादा लिया है द रीज़न इज़ क्लियर कि क्योंकि यू इज़ नेगेटिव ऑल द टाइम ठीक है और इस वजह से मैंने लिया और टेम्परेचर क्योंकि नेगेटिव नहीं होता इस साइड पर हमने नहीं ड्रा करना ये ओरिजिन है यहाँ पे है पॉजिटिव टेम्परेचर की वैल्यूज यहाँ पे नेगेटिव टेम्परेचर जो कि एग्जिस्ट नहीं करता इसलिए इस साइड को आपने नहीं छेड़ना यू क्योंकि हर वैल्यू ऑफ टी के लिए नेगेटिव ही रहेगा ठीक है जीरो हो वन हो टू हो थ्री हो Uh, मैंने ये भी डिस्कस किया था क्यों तो इसका जो ग्राफ बनता है वो ऐसा ही बनता है जैसे ये टू सी कॉन्सटेंट है ना तो ये ऐसा ही बनता है कि यू इक टू माइनस कॉन्सटेंट डिवाइड बाई टी ये ऐसा ही है जैसे माइनस वन आवर एक्स का ग्राफ हो ठीक है तो जो वन आवर एक्स का ग्राफ होता है ना वो ऐसा होता है ठीक है अब माइनस वन आवर एक्स करना होना, वो कैसा हो जाएगा वो उल्टा कर दें इसको ऐसा हो जाएगा तो ये वाला ग्राफ होगा हमारा इसका ग्राफ हो. तो ये ऐसा हो गया ये है u इक्व टू माइनस वन ओवर टू सी वन बाई टी जो वेरिएबल है मेन उसे सेपरेट कर दिया का ग्राफ या स्केच क्योंकि हम देख सकते हैं t जब इन्फिनिटी होगा ना t uh, u इक्व टू माइनस वन ओवर टू सी और ये वन अवर यहाँ पे इन्फिनिटी पूरे वन और इन्फिनिटी ज़ीरो होता है तो एज टी approaches टू infinity ये जब टी अप्रोच करेगा इंफिनिटी तो ये यू जीरो को अप्रोच करेगा और एज़ जीरो एज़ टी अप्रोच ज़ीरो ठीक है यहाँ पे वन ओवर जीरो हो जाएगा तो ये इन्फिनिटी बन गया ना तो ये ऐसे इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा तो ये इस तरह का इसका स्केच हो गया है पूरा जिसमें आप लिख देना सी इज़ ग्रेटर देन जीरो टी इज़ ग्रेटर देन जीरो एन जी यू हेंस इज़े लेस दैन वन